बड़ा पाव खाने का असली मज़ा तीखी लाल सूखी वाली चटनी जो बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसके बिना तो जो बड़ा पाव होता है एकदम अधूरा ही लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं बड़ा पाव की सूखी लाल चटनी, जिससे हमने विदाउट गार्लिक बनाया है। मतलब यदि आप चाहें तो इसको गार्लिक के साथ भी बना सकते हैं, पर आज हम इसको बिल्कुल बिना गार्लिक के जैन बड़ा पाव की रेसिपी के साथ बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जय जिनेन, शाकाहार सदाबहार किचन में आपका स्वागत है। चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे मूंगफली दाने, और ये जो मूंगफली दाने हैं आप चाहें तो रोस्टेड ले सकते हैं, हमने यहाँ पर कच्चे दाने लिए हैं। तो इसको एक चम्मच तेल में हल्का सा भून लिया है, उसके बाद में हमने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो ये जो है पाउडर बहुत ही आसानी से मार्केट में मिलता है, और अब इसमें हम डालेंगे नमकीन। तो नमकीन हमने यहाँ पर मिक्सचर लिया हुआ है, आप चाहें तो प्लेन सेव ले सकते हैं या प्लेन बूंदी आदि भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे जो एकदम ज़रूरी चीज़ है, वो है हींग। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, स्वाद बढ़ जाता है, और साथ में ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो हींग तो ज़रूर डालिए, इसको बिल्कुल स्किप मत करिए। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, तो कलर वाली लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ में तीखे के लिए हमने थोड़ी सी लाल मिर्च प्लेन वाली भी डाली है। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो नमकीन है उसमें ऑलरेडी नमक होता है, पर यहाँ पर हमने कोकोनट और मूंगफली भी ऐड किए हैं, तो उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए। और इसके बाद में इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, और ग्राइंड करने के बाद में जो हमारी लाल सूखी चटनी है ये तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बड़ा पाव के साथ खाने के लिए, या फिर आप इसको चाहे तो इडली डोसे या ढोकले आदि के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। और यदि आप इसको गार्लिक वाली बनाना चाहते हैं, गार्लिक चटनी बनाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़े से जो गार्लिक के कलियां होती हैं उसको हल्का सा तेल में भून लें, और उसके बाद में साथ में ग्राइंड कर लें, तो आपकी गार्लिक चटनी भी तैयार हो जाएगी। पर यहाँ पर हम जैन बड़ा पाव के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको नो गार्लिक बनाया है, और ये बहुत ही टेस्टी नो गार्लिक चटनी बनी है बड़ा पाव के लिए। और सबसे बढ़िया बात, आप इसको एक बार बना लें और 6 से 7 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी मन करे, बड़ा पाव इडली डोसे या फिर रोटी पराठे आदि के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, आप इसको एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, जो नो गार्लिक लाल सूखी चटनी है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कैसी बनी इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दें। और मेरे चैनल शाकाहार सदाबहार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अन्य रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय जिनेंद्र।